किसानों का आंदोलन खत्म होने से उत्तर भारत के इकॉनमी को हो रहा नुकसान अब बीते वक्त की बात हो जाएगी। इसके असर से सप्लाई चेन दुरुस्त होगी। बॉर्डर के इलाके में बनी फैक्ट्रियों में भी पूरी क्षमता के साथ काम होने लगा है। माल की आवाजाही में अब फिर से तेजी आ गई है। हालात में हुए सुधार के मद्देनजर उद्योग संगठन PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी PHDCCI ने कहा है कि इससे 2021-22 में देश की GDP में 4.5% का इजाफा होगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा में आने की उम्मीद है। दरअसल इस आंदोलन के चलते कई इंडस्ट्रीज को जबरदस्त नुकसान हो रहा था, लेकिन अब बॉर्डर के खुलने से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के नजदीक स्थित MSME में फिर से प्रोडक्शन पटरी पर आ जाएगा। इसकी वजह है कच्चे माल की जो सप्लाई अभी तक इस आंदोलन की वजह से देरी से पहुंच रही थी या जिसके दाम लंबे रूट की वजह से बढ़ गए थे, वो अब आसानी से और वाजिब दाम पर MSMEs को मिल सकती है। इसके साथ ही इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के वापस लौटने से प्रोडक्शन में इजाफा होगा। दिल्ली NCR में रिटेलर्स का भी मानना है कि अगर इससे महंगाई कम होती है तो फिर बिक्री बढ़ेगी, साथ ही बॉर्डर्स के खुलने से भी उन्हें ज्यादा फुटफॉल मिलेगा। PHDCCI का मानना है कि किसानों के मुद्दे के सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी में लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगी। इस कमेटी का सबसे बड़ा फोकस 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 80% किसानों की इनकम बढ़ाने का है। माना जा रहा है कि अगर सरकार इस कोशिश में कामयाब हो गई तो फिर ये इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्टर साबित होगी। MSME के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो गवर्नमेंट की सपोर्ट को लेने के लिए मैनेज करे जा सके। मेरा एक ये स्ट्रांग सुझाव रहेगा, सरकार को अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर MSME को एक कोई बेसिस के माध्यम ट्रांसफर करने की शुरुआत करनी चाहिए, और यही कदम मुझे लगता है देश की MSME की सुधार में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल आंदोलन में MSME सबसे ज्यादा परेशान थे। PHDCCI के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में करीब 25 लाख MSMEs हैं, जिनमें 45 लाख लोग काम करते हैं। पंजाब और हरियाणा के कुल 13 लाख करोड़ के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP में इनका योगदान 4 लाख करोड़ का है। अब ये आंदोलन खत्म होने से फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, फार्म मशीनरी, IT, ट्रेंडिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट को फायदा मिलेगा।